सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट गेमिंग हेडफोन एंड उसका करने वाले रिव्यू आफ्टर 5 मंथ। मेरा यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है पूरे इन 5 महीनों के अंदर, मेरे को क्या क्या कमी और क्या क्या एडवांटेजेस लगे इस हेडफोन के अंदर, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखते रहो, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो ये बॉक्स है ये मेरे को डिलीवर हो चुका है फाइनली, पूरे के पूरे 7 दिन इंतजार करने के बाद में जो बॉक्स है फाइनली मेरे पास आ चुका है। और ये जो है गोवा से आया था तो मुझे इसलिए टाइम लग गया था, ब्लू डार्ट से आया था ये। सो फाइनली आ चुका है एंड मैं फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ। सो कैसा लगे रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये पॉलीथीन यार बहुत ज़्यादा टाइट थी, मतलब इसकी कटिंग करने में बहुत टाइम लग गया मुझे। गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो मिस्टर सैफरन वाइट यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट का नेम है नीचे एंड ये अपना नेम चैनल का नेम लिखा हुआ आ रहा है। कितनी खुशी होती है भाई जब चैनल का नेम लिखा आता है किसी चीज़ पे, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी गई है एंड यहाँ पे यार ये जो टैप लगी हुई है ना, ये टैप इतनी ज़्यादा मजबूत है ना, देखने में इतनी ज़्यादा मजबूत लग रही है ना। तो यार ट्राई करते हैं एक बार इसको कैंची से काटते हैं एंड थोड़ा बहुत तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ जाओ ना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव सील है यहाँ पे, तो कैसे ना कैसे करके यार इसको अच्छे से काट ही देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव सील, यानी कि बहुत अच्छी सील यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है। और इनकी सर्विस है मुझे बहुत अच्छी लगी, इनको ईमेल करने के बाद इन्होंने मेरे को फाइनली हेडफोन सेंड कर दिया था। सो यहाँ पे मैंने फाइनली कैसे ना कैसे करके ना इस टेप को जो है यहाँ से कट कर ही दिया था अपने बॉक्स से एंड मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, आप देख सकते हो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वरना वीडियो लंबी हो जाती सी। ओके, तो ये फाइनल हमारा हो चुका है अनबॉक्स एंड यहाँ पे हमको बॉक्स दिखाई दे रहा है अपने हेडसेट का एंड फाइनली यहाँ पे है एक्सा ई हेड 100। एंड यार ये बार बार बंद क्यों हो रहा है, रुको। चलो तो ये बॉक्स है अपना, इसको निकालने के लिए ना मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी आसानी से निकलने नहीं वाला, बहुत ज़्यादा फिट पैकिंग में ये। सो एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके मैं एकदम से इसको जो है नीचे से निकालने की ट्राई करता हूँ। फाइनली ये कार्डबोर्ड है, यूजलेस कार्डबोर्ड है, इसको हटाओ। सी ये है अपना हेडफोन गाइस, ये है एक्सा 800 गेमिंग हेडसेट फाइनली, 24 मंथ्स की वारंटी, 2 साल की वारंटी, बहुत ज़्यादा ओपी लगी। 1 साल की आपको डिफॉल्ट वारंटी मिलेगी और 1 साल की आप जो है रजिस्टर्ड करके जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पूरी 2 साल की जो वारंटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस सर्विस गाइस, क्योंकि इसी ने मेरे को नया हेडफोन दिलाया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पुराना हेडफोन पड़ा हुआ था। जिनको नहीं पता, ये वाला जो हेडफोन है आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था जो कि ख़राब हो गया था। 5 महीने मैंने इसको यूज़ किया था, इसका राइट साइड में जो है बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही साउंड नहीं आ रहा था। एंड कुछ दिन बाद तो लेफ्ट साउंड में भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी जिसका साउंड था वो बंद हो गया, ठीक है। तो मैंने इनको बहुत ईमेल किया कि ये वारंटी के अंदर है और मेरे को जो है नया हेडफोन चाहिए, मैं नया हेडफोन मंगवाने की सोच ही रहा था। उतने में मेरे को सोचा कि यार ये जो हेडफोन है ये वारंटी के अंदर है, तो एक बार क्यों ना ट्राई किया जाए, ईमेल किया जाए इनको। तो मैंने ईमेल किया, तो ईमेल करने के बाद इनका जो रिस्पॉन्स है विद इन 24 आवर्स फाइनली मेरे को आ गया। एंड आज जो इतनी ज़्यादा डिटेल्स करने सेंड करने के बाद में, एड्रेस नंबर सेंड करने के बाद में और वीडियो बनाने के बाद में फाइनली, मतलब उनको काफ़ी वीडियो बना के भेजनी पड़ी मुझे और काफ़ी ज़्यादा ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स करने पड़े, उसके बाद में फाइनली जो इन्होंने हेडफोन है यहाँ पे सेंड कर दिया है। सो गाइस ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सर्विस मुझे इनकी लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बॉक्स के अंदर ये नॉर्मली किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस आता है अपना हेडसेट फाइनली, ये है अपना गेमिंग हेडसेट जो कि बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है देखने में, बिल्कुल नया नया है। और ये देखो गाइस, ये है अपना RGB गेमिंग हेडसेट। अभी मैं यहाँ पे आपको जो है लाइट्स भी चालू करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो का पूरा कंप्लीट देखते रहो। एंड और एक बात, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो इस चैनल पे फ्री फायर एंड और गेम्स की जो है लाइव स्ट्रीमिंग होती रहती है। तो ये जो वीडियो है ये उन भाइयों के लिए जो ढूंढ रहे बेस्ट गेमिंग हेडसेट और वो भी बजट में, यानी कि जिनका बजट है 1000 से 2000 के बीच में, तो ये जो हेडफोन है ये मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस हेडफोन के साथ में आपको मिलता है माइक, साथ में आपको मिलता है बहुत प्यारे प्यारे कुशंस और साथ में मिलता है बहुत ही स्मार्ट मॉडर्न वाला लुक, और साथ ही में आपको यहाँ पर मिलता है RGB की शक्तियाँ जो कि आपके हेडफोन को ना बिल्कुल चमकाने वाली है। और यहाँ पे जो माइक है इसको आप अंदर डाल सकते हो एंड यहाँ पे जो केबल है, यहाँ पे केबल जो है पूरी ब्रांडेड केबल है, यानी कि मैं इसको कितना खींच रहा हूँ लेकिन ये टूटने को तैयार नहीं, क्योंकि ब्रांडेड केबल है भाई। ब्रांडेड केबल आजकल वैसे कॉमन हो चुकी है, हर प्रोडक्ट में आती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हेडफोन्स होते हैं जिनमें आज भी जो है ब्रांडेड केबल नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो हेडफोन है ब्रांडेड केबल है, यानी कि आपकी जो केबल है कभी ख़राब ही नहीं होने वाली। यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल है, हाँ ये यूज़र मैनुअल गाइड ही है, तो यूज़लेस है ये भी।
और इस बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं, खाली है। तो ओके, तो इस यूजर मैनुअल के पीछे यहाँ पे ये क्या है? ओके, ये पिन है। ओके ओके ओके, तो गाइज ये है ऑडियो स्प्लिटर। अगर आप अपने पीसी से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको दो देखने के लिए मिल जाएंगे, एक माइक का और एक जो होगा आपका हेडफोन का होगा। तो यानी कि आप इसको जो है एक माइक की तरह यूज़ कर सकते हो और एक जो है साउंड की तरह यूज़ कर सकते हो। तो दोनों आपको जो है अपने सीपीयू के अंदर लगाने हैं। अगर आप पीसी यूज़र हो तो आपको ये केबल जो है मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सी ये है केबल, एंड इसको जो है सिंगल केबल रहेगी, आपको अपने पीसी से कनेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ये केबल दिख रही है ना आपको, इनको जो है आपको कनेक्ट करना है अपने सीपीयू के ऊपर। एंड देन आप देखोगे तो आपका जो हेडफोन है पूरी वर्केबल हो जाएगा। एंड ये जो है आपको समझ जाओगे जब आप लाइक इसको ऑर्डर करोगे। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके साथ में ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है, अदर हेडफोन में जो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको एक्स्ट्रा वाली खरीदनी होती है। एंड ये जो होती है लगभग लगभग 300 के अराउंड आती है। तो इससे बेटर तो ये है कि आपको इसके अंदर फ्री में देखने के लिए मिल रही है और ये एकदम वर्किंग होती है, एकदम न्यू केबल होती है, ठीक है। सो फाइनली गाइज मैं यहाँ पे जो है आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ना, ये है इस हेडफोन की RGB वाली शक्तियाँ। एंड सो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि जो हेडफोन है यहाँ पे अपन का हो चुका है बिल्कुल RGB शक्तियों के साथ ओपन। एंड मैं यहाँ पे जो है लाइट्स को ऑफ करके दिखा देता हूँ। सारी लाइट्स ऑफ नहीं करूँगा वरना अंधेरा हो जाएगा। ओके, कुछ ही लाइट्स मैंने ऑफ करी है। एंड सी यहाँ पे आप जो इसकी 8 GB वाली शक्तियाँ देख रहे हो, बहुत ज़्यादा उसम लग रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है इस हेडफोन को जो है अपने लाइट जला के नहीं रखते, तो मैं बता दूं कि लाइट जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल लग जाता है। आई मीन कभी कभार अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है, बट जब भी मैं स्ट्रीमिंग करूँगा ना लाइक फेस कैप के साथ, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा लाइट्स ऑन करके एक बार इसको अपन ट्राई करें। सो मुझे लगता है कि दैट इज़ द गुड पॉइंट ऑफ दिस हेडफोन। सो मुझे लगता है कि ये लुक वाइज एंड साउंड वाइज बहुत ही बेहतर निर्णय है गाइस। इतना ही नहीं, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लाइट्स तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट इसी के साथ में हमको इसके अंदर क्या क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, मतलब बंदा आ रहा था उसका साउंड कैसे सुनाई देगा। तो गाइस इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 7.1 का सराउंडेड साउंड, जो कि आपके हेडफोन को लेफ्ट राइट बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है। यानी कि अगर आपका एनिमी है लेफ्ट में, तो आपको साउंड आएगा अपने हेडफोन के लेफ्ट में, और आप इजीली जो है जज कर पाएंगे कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। जी हाँ गाइस, एग्जैक्टली जो है यहाँ पे आप फाइंड कर पाओगे उसकी लोकेशन। एंड यहाँ पे मैंने इसकी पॉलिथीन उतार दी है थोड़ी बहुत। ओके, तो ये अपना जो है हेडफोन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, एकदम ओपी लग रहा है देखने में। एंड यहाँ पे RGB जो शक्ति आई है बहुत ज़्यादा औसम लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइट वाली है। और इसका जो माइक है गाइस, मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि इसका माइक पे आप पूरा डिपेंड रहो, क्योंकि ये जो माइक है ये आपका नॉर्मल माइक रहता है। यानी कि आप सोच रहे हो कि इसमें यार बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड देखने के लिए मिलेगा, तो इसके अंदर जो है प्रोफेशनल साउंड देखने के लिए नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये जो माइक है आपका नॉर्मल माइक है। एंड अगर आपको प्रोफेशनल साउंड चाहिए, प्रॉपर यूट्यूब के लिए जो है एकदम मस्त वाला माइक चाहिए, तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि वो जो होता है यार बिल्कुल लगभग लगभग 4-5 हज़ार रुपये का माइक आता है। तो वो सबसे बेस्ट माइक होता है अगर आपको प्रोफेशनल साउंड चाहिए। तो फिलहाल ये जो है माइक, ये आपका काम चला लेता है, यानी कि मतलब ये कोई दिक्कत नहीं आने देता आपके साउंड के अंदर। डिस्कॉर्ड में बैठे हो, अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हो, बहुत क्लियर साउंड देगा। और अगर स्ट्रीमिंग कर रहे हो यूट्यूब, यहाँ पे आप यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बना रहे हो, तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, ये भी इस हेडफोन से रिकॉर्ड हो रही है गाइस। जी हाँ, ये जो आवाज़ आप मेरी सुन रहे हो, एंड यही नहीं, चैनल की कोई भी वीडियो उठा लो, कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग उठा लो, सभी में जो भी वॉइस आई है मेरी, वो इसी हेडफोन से हुई है रिकॉर्ड गाइस। एंड आप खुद बोलते हो मुझे कमेंट के अंदर कि आपका जो साउंड है बहुत ज़्यादा क्लियर आ रहा है। सो मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है आप सभी लोगों के लिए। एंड जो लोग, जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो चाहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा हेडफोन उनको मिले बहुत ही बजट रेंज में, तो ये जो हेडफोन है ये आप सभी लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ 5 महीनों से। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपको चाहिए तो ये मंगवाओ, ठीक है। और इससे नीचे जाओगे तो आपको कॉस्मिक बाइट के मिलेंगे, जो कि बेहतरीन है इसके नीचे, यानी कि 900 के अराउंड मिलेंगे। बट ये कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं कि अगर वो ख़राब भी हो जाए तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो आएगा, यानी कि अगर एक बार ख़राब हो गए, यानी कि कहने का मतलब ये कि कोई गारंटी वारंटी वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। तो मे भी आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है उन हेडफोन्स के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे मंगवाए हुए जो हेडफोन्स है वो मैंने काफ़ी बार ऑर्डर किए हैं, उसके बाद में जो है प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली है। और ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, और फाइनली मुझे जो है नया हेडफोन बाय करना होता है। सो फाइनली मैंने ये वाला हेडफोन बाय किया, जो कि वारंटी के साथ में आता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको अच्छा वाला दे सकता है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगी बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग रिलेटेड कंटेंट्स। एंड एक और बात याद, ये इस वीडियो को देख के सोचना मत कि ये चैनल रिव्यू का है, ठीक है, ये नॉर्मल मेरा लाइक गेमिंग चैनल है एंड लाइव स्ट्रीमिंग में ज़्यादा करता हूँ। सो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द लाइव स्ट्रीमिंग। बाय।